हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 9.4 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा आपको बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। जो आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, अगर उसका स्टार्टिंग में जो रेडियस है वो 3 यूनिट है तो आफ्टर थ्री सेकेंड इट इज 6 यूनिट। 3 सेकेंड मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है उसका वॉल्यूम, 3 सेकेंड के बाद हमारे पास उसका वॉल्यूम जो है वो 6 यूनिट आ जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर टी सेकेंड, तो आपको आफ्टर टी सेकेंड जो उसका रेडियस है वो बताना है कि वो आपके पास कितना आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है वो आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होता है आपके पास 4/3 πr³। ओके, तो यहाँ पे बी ले लेंगे आप 4/3 πr³। अब बच्चे आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है आपका वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। ओके, तो आप ले लेंगे डीवी अपॉन डीटी। अब डीटी हमने क्यों लिया बेटा, कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है तो मतलब हमें जो वैल्यू दी गई है कांस्टेंट वो क्या दी गई है, के दी गई है। वो हम कांस्टेंट क्या ले लेते हैं यहाँ पे, के ले लेते हैं। ठीक है, कोई नंबर तो हमें कांस्टेंट दिया नहीं हुआ इसलिए हम यहाँ पे के ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने जो सेकंड वेरिएबल लिया है टी वो कैसे लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आगे बोला गया है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट। मतलब जब आपके पास स्टार्टिंग में आपको बोला गया है, स्टार्टिंग में जो इसका रेडियस है, जब आपके पास टी 0 था इसका रेडियस कितना था 3। ठीक है, एक तो ये पॉइंट बोला गया है, दूसरा ये बोला गया है जब आपके पास टी आपके पास 3 सेकेंड है तो इसका रेडियस जो है वो 6 यूनिट है। ओके, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टी तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 πr, कांस्टेंट है, रेडियस यहाँ पे चेंज हो रहा है तो इसमें से आर जो है वो वेरिएबल है, तो आ जाएगा 3r² और आर का भी आएगा डी आर अपॉन डी टी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, वो आ जाएगा हमारे पास 4πr² डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, डी वी डी टी की वैल्यू है हमें दी गई है, इसको ले लो इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वो आ जाएगा के। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई डी वी अपॉन डी टी की। अब आप कर रहे हैं, आपको वेरिएबल सेपरेबल करने हैं यहाँ पे, तो हमारे पास के डी टी आ जाएगा। अब ये 4π भी कांस्टेंट है तो 4π आपका नीचे आ जाएगा। ओके, r² और ये डी आर। ठीक है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे अब इसको, इस साइड करेंगे अभी आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास k 4π कांस्टेंट है, डी टी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के टी अपॉन में 4π। ओके, इज इक्वल टू r² है तो ये r³ अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, यहाँ पे इंटीग्रेशन r हमारी विद रिस्पेक्ट टू r ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास r³ अपॉन 3 आ गया। ओके बेटा, और यहाँ पे इस साइड हमारा कॉन्स्टेंट भी आएगा तो आप ले लेंगे c, सी साइड प्लस कर लेंगे। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट तो हमारा पहले k चल रहा है ना, दूसरा आपने c ले लिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप 3 जो है इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3c आ जाएगा प्लस 3 के टी अपॉन 4 पाई
इज इक्वल टू आर क्यूब, ये इक्वेशन होगी, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आपको ये दिया गया है टी, जब हमारे पास इनिशियल जब हमारे पास वॉल्यूम था तब इसका रेडियस कितना था, 3 था, तो आप लिखेंगे टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, हमारे पास 3c है प्लस 3k और ये 0 है अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू आर है 3, तो 3 3 9 3 27, ये आ गई 27 इसकी वैल्यू। अब ये होल टर्म 0 होगी तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 27 बाय 3, तो ये 9 आ गया, ठीक है, c की वैल्यू 9 आ गया आपके पास। ओके, अब आप ये भी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया था t इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमें पुट करना है, हमें लास्ट में निकालना, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड, तो हमारे पास ये वैल्यू जो आई है ये आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, चलो इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास ये चल रही है 3, अब c की वैल्यू भी आपके पास आ गई, वो भी ले लेंगे आप, c की है 9 प्लस 3 के, t की वैल्यू है आपके पास 3 अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू, ये आर है 6 6 36 216, ठीक है, ये आ जाएगा ये, आपने 216 में से 27 माइनस किया 9 आ गया, और यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 1 1 8 9 आया। ओके, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3k 4 पाई की, क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें 3k 4 पाई की वैल्यू रखेंगे तो हमारा रेडियस एट टी पे आ जाएगा, ठीक है, हमें जो पूछा गया फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून एट टी सेकेंड, तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास 3k 4 पाई इज इक्वल टू 189 अपॉन 3, कटिंग किया आपने 63 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 63 आ गई, वो पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिए, इस साइड आ जाइए, चलिए c इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 9 एंड 3k क्या है 3k अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 63 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास 3 c की वैल्यू 9 प्लस 3k 4 पाई की वैल्यू है 63, यहाँ पे t इज इक्वल टू हमारे पास है आर क्यूब, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 63 टी, अब यहाँ पे 3 पार है तो इधर आपके 1/3 हो जाएगी आर, तो रेडियस आपको ये वॉल्यूम पूछा गया था फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून एट टी सेकेंड, तो एट टी सेकेंड पे हमारे पास रेडियस जो है वो ये आ गया 27 प्लस 63 टी की पार 1/3। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब My YouTube channel. Thank you.